नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में चंबल डीआईजी की पत्नी को अपने घर के लिए ऑनलाइन मेड की सेवाएं लेना महंगा पड़ गया। उनसे ऑनलाइन मेड के नाम पर राधा प्लेसमेंट सर्विस नाम की कंपनी ने 37,000 की धोखाधड़ी की है। चंबल डीआईजी सौरभ सिन्हा की पत्नी मेघा सिन्हा को घर के लिए एक मेड की तलाश थी। इसके लिए उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया। उन्होंने ऑनलाइन सर्च कर राधा प्लेसमेंट सर्विस नाम की कंपनी पर संपर्क कर अपने घर के लिए एक मेड काम करने के लिए अरेंज करने की बात कही। उन्होंने बकायदा ऑनलाइन गुड़िया नाम की महिला से ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग कर चर्चा भी की। बातचीत हो जाने के बाद कमीशन के तौर पर उन्होंने राधा प्लेसमेंट सर्विस को 37,000 अदा भी कर दिए। एसएफ ग्राउंड के पास पुलिस ऑफिसर्स मेस में उनके घर मेड काम करने भी आई, लेकिन सिर्फ एक दिन उसने काम किया और दूसरे दिन वह लापता हो गई। बहुत खोजबीन करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका। इस घटना के बाद उन्होंने राधा प्लेसमेंट सर्विस पर फोन कर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उल्टा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। कमीशन के तौर पर लिए गए पैसे भी वापस नहीं किए। अपने साथ हुई ठगी की शिकायत उन्होंने ग्वालियर के कंपू थाना में की। पुलिस ने डीआईजी सौरभ सिन्हा की पत्नी मेघा सिन्हा की शिकायत पर ऑनलाइन मेड प्रोवाइड करने वाली राधा प्लेसमेंट सर्विस के संचालक सहित गुड़िया नाम की मेड और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस चंबल डीआईजी की पत्नी के साथ धोखाधड़ी करने वालों की तलाश में जुट गई है। डीआईजी चंबल में जो है उनकी पत्नी ने शिकायत की है कि उनके साथ ठगी हुई है। नौकर वोकर उन्होंने ऑनलाइन बुलाए थे, क्या हुआ है? एक थाना कंपू पर इस संबंध में एक रिपोर्ट की गई है कि उनके द्वारा घरेलू मेड के लिए ऑनलाइन जो है सर्विस के लिए देखा गया था, तो उसमें सुलेमान.com पर राधा प्लेसमेंट सर्विस का नंबर मिला। उनसे बातचीत करने पर उनने एक जो है मेड भेजी। मेड द्वारा आके काम करना बताया कि मैं काम करूँगी, हमारी कंपनी की जो शर्तें हैं वो ये हैं कि एक महीने का सैलरी एडवांस और चार महीने का एडवांस में जमा करना पड़ता है सैलरी। तो उन्हें ऐसा चूँकि मेड की आवश्यकता थी तो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट जमा कर दिया और फिर अगले दिन से उसने आना बंद कर दिया। जब पता करा तो वो कहीं गायब थी, वो अपने जो पता बताया था उस स्थान पर नहीं थी वो। तो अन्य लोगों के साथ चीटिंग ना हो इस कारण उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई और इसमें जल्दी से जल्दी विवेचना की जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक, ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।